हे एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ साक्षी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में बताऊँगी कि मेरे पास कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं यूजली यूज़ करती हूँ, एंड आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी। बट इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास अभी अवेलेबल हैं, बट इनमें से कुछ नहीं हैं। जो नहीं हैं वो मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी जो बढ़िया हैं प्रोडक्ट्स। एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, सो लेट्स कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट होता है कि आपको अपने स्किन को, मतलब स्किन के लिए फेस वॉशेज होते हैं। सबसे पहले कि फेस वॉश चॉइसेस में आते हैं कि स्किन केयर में, तो फेस वॉशेज के लिए मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पास हैं ये दो फेस वॉश हैं। एक तो पहला है एस्टाबेरी का ऑरेंज फेस वॉश स्क्रब है। ये फेस वॉश और स्क्रब दोनों का काम करता है। एंड देन है मेरे पास ये न्यूट्री ग्लो का, एंड ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एंड जो कि इसका प्राइस है, इसका प्राइस 100 रुपीज़ है और इसका प्राइस 90 रुपीज़ है। ये सब जो भी मैं आपको क्रीम वगैरह दिखा रही हूँ, ये अंडर 100 रुपीज़ हैं। बट इनमें से कुछ हैं थोड़े से, यू नो, थोड़े अबव भी हैं, प्राइसी भी हैं। बट मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर भी कौन कौन से हैं। तो ये दो फेस वॉशेज हो गए। एंड इसके अलावा बहुत सारे फेस वॉशेज आते हैं, जैसे कि आप पॉन्ड्स का फेस वॉश ले सकते हैं। एक आता है वाइट में और एक आता है ब्लैक में, तो आप कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। एंड मेरे पास जो दो थे मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड भी कर रही हूँ कि आप पॉन्ड्स के भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेकंड स्टेप आता है कि आप कौन सा स्क्रब करें। तो स्क्रब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये पतंजलि का फेस स्क्रब है, एप्रिकॉट फेस स्क्रब है। स्क्रब में मेरे पास यही वाली चॉइस है क्योंकि मैं यही वाला फेस स्क्रब यूज़ करती हूँ। एंड इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊँ तो आप यूज़ कर सकते हैं, एवर यूथ का आता है, एवर यूथ का एप्रिकॉट फेस स्क्रब आता है। एंड बहुत सारी और कंपनीज़ भी हैं, कुछ तो मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैं यूज़ ही करती हूँ, तो इसलिए एक एवर यूथ का आता है, तो आप वो वाला ले सकते हैं फेस स्क्रब। और आप चाहे तो आप खुद का स्क्रब घर में ही बना सकते हैं। आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके उसमें थोड़ा सा शुगर मिला के, जो चीनी होती है उसको मिलाकर, और उसको आप अपने फेस पे हल्के हल्के हाथों से, बहुत माइल्ड हाथों से उसको अपने स्किन पे स्क्रब कर सकते हैं। तो घर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अगर मैं क्लिनजिंग की बात करूँ, तो क्लिनजिंग के लिए आप फेस पे यूज़ कर सकते हैं आयुर का डीप पोर क्लिनजिंग मिल्क। ये छोटी सी बॉटल आती है, आपको लोकल मार्केट में कहीं भी इजीली अवेलेबल है और आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, लोकल स्टोर से। एंड ये काफ़ी अच्छा है। एंड ये आपके एज अ मेकअप रिमूवर, अगर आप कोई मेकअप अपने लगा रखा है तो अपना मेकअप भी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। एंड अगर आपके फेस पे कोई भी ऑयल और डर्ट है तो आप उसको भी ईजिली इससे क्लीन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप क्लिनजिंग के लिए, यू नो, रॉ मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी चॉइस से एक रॉ मिल्क आप यूज़ करिए, या ये वाला यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप मेकअप रिमूवर यूज़ भी कर रहे हैं या आपको मेकअप रिमूव भी करना है, तो आप क्या करिए, कोई भी ग्रीसी या ऑयली सी क्रीम हो तो उस क्रीम को अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए और कॉटन लेके कॉटन से वाइप कर दीजिए, वो एक ही स्वाइप में, यू नो, क्लीन हो जाएगा। तो ये तो था मेरा रिकमेंडेशन कि मैंने आप रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे क्लेंजिंग मिल्क अवेलेबल हैं, या इनातूर का आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैं बात करती हूँ फेस पैक की। तो फेस पैक के लिए मेरे पास है एक तो ये B1 का फ्रूट फेस पैक और एक है कॉरोनेशन हर्बल्स का फ्रूट फेस पैक। ये दोनों ही मेरे पास फ्रूट फेस पैक है क्योंकि फ्रूट से, यू नो, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा, यू नो, जो भी विटामिन हैं, जो भी होते हैं, वो मिल जाते हैं अच्छे से आपकी स्किन को। और यू नो, इसमें क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेग्रेंस वाले भी होते हैं, इनकी फ्रेग्रेंस काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। एंड फेस पैक के लिए आप कोई सा भी फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक आता है, चारकोल का फेस पैक आता है, तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। या आप फेस पैक खुद भी घर पे बना सकते हैं बेसन में हल्दी मिलाकर, तो आप वो भी फेस पैक यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा रोज़ वाटर या पानी मिलाकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दो चॉइसेस हैं, ये आपको 20 to 25 रुपीज़ में दोनों अवेलेबल हो जाएंगे।
ये काफ़ी दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हैं और मैंने इसके ऊपर इसको यूज़ भी करके दिखाया अपने फेस में एक ट्यूटोरियल में कि आपके में कैसे अपनी स्किन के लिए, मतलब मेरा जो माय स्किन केयर रूटीन है मेरा, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि ये फेस पैक है कैसा, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। मैंने इसका लगाने के बाद ग्लो दिखाया था कि कैसा ग्लो आता है, तो आप उसको वहाँ चेक कर सकते हैं। एंड देन अगर मैं मॉइस्चराइजर्स की बात करूँ तो मॉइस्चराइजर्स के लिए मेरे पास है ये जॉय की स्किन फ्रूट, एंड ये 10 रुपीज़ में आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। एंड इसके 3 वेरिएंट आते हैं, आपको मार्केट में 3 वेरिएंट में मिल जाएगा। एक तो एलोवेरा के ऊपर है, एक एलोवेरा का है और एक एलमंड्स का है और एक ये एप्पल का है, मतलब स्किन फ्रूट्स है, मिक्स फ्रूट का है ये, तो ये भी काफ़ी, दोनों तीनों ही अच्छे हैं, तो आपको जो भी मन करे आप वगैरह ले सकते हैं। और मॉइस्चराइजर्स के लिए मेरे पास एक स्किन के लिए अच्छे मॉइस्चराइजर की रिकमेंडेशन में मेरे पास है ये जॉनसन बेबी की क्रीम, आप जॉनसन बेबी की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और मैं हम यही यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रीम है। और इसके अलावा मेरे पास है ये गुलाबरी की छोटी वाली है, ये 5 to 10 रुपीज़ की आई थिंक, तो ये भी फेस पे आप लगा सकते हैं। और इसका बड़ा टब भी आता है तो थोड़ा महंगा आता है, लेकिन ये बहुत ही आप ये बजट फ्रेंडली है, आप इसको तो ले सकते हैं और कहीं भी कैरी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी लोशंस की, कि बॉडी केयर के लिए आप कैसे कौन कौन से लोशंस लगा सकते हैं। तो बॉडी लोशंस के लिए मेरे पास तो है कि निविया का बॉडी लोशन है, निविया का, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉडी लोशन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा मॉइस्चराइज और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, जिनको कोई भी क्रीम सूट नहीं करती, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी क्रीम है, तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं और कुछों के पास होती भी है। एंड नेक्स्ट मेरे पास जो मॉइस्चराइज़र है वो है ये आयूर का मॉइस्चराइज़र है, ये आप चाहे फेस पे लगा लीजिए चाहे अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा है, पिंक वेरिएंट है। एंड इसका एक वेरिएंट आता है कोको का होता है शायद से, वो ब्राउन कलर की होती है, तो वो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप चाहें तो जो भी आपको सूट करे आपकी स्किन पर आपको अच्छा लगे तो आप कोई सी भी ले सकते हैं आपकी चॉइस के लिए। एंड आप देख सकते हैं, एंड एक काफ़ी अच्छा बॉडी लोशन से आपको स्किन की केयर करते रहनी चाहिए अपनी। एंड देन मेरे पास अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे हमेशा पिंक ग्लो रहे या आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा रोशनी में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे या पिंक ग्लो करे अच्छी लगे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं गुलाबरी का रोज़ वाटर। इसमें ये छोटा वाला है, 15 रुपीज़ का है, एंड आप यूज़ कर सकते हैं, तो बड़ी वाली भी ले सकते हैं। एंड इसको एट नाइट आप एक कॉटन में लेकर अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, पूरे फेस पे अप्लाई कीजिए, एंड ये आपकी स्किन को अगर आप इसको डेली अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन को एक ग्लो देने लगता है, पिंक ग्लो देने लगता है। एंड ये मैंने ये नोटिस किया है अपने, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि जो ये गुलाबरी का गुलाब जल है, जो भी डाबर गुलाबरी का गुलाब जल है, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर ऑयली स्किन, जिनकी ज़्यादा ऑयली स्किन रहती है, तो अगर ऑयली स्किन वाले रात के टाइम इस को लगा कर सोएं तो वो देखेंगे कि उनके फेस पे थोड़ा डे बाय डे जो ऑयल है वो थोड़ा कम होने लगेगा, उनकी स्किन अच्छी होने लगेगी, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा ऑयल होता है फेस पे और नोज़ पे या फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये रोज़ वाटर। तो अगर आप चाहते हैं अपना फेस पे से ऑयल हटाना तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने ट्राई किया था तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल रहता था, और जब मैंने ये अप्लाई करनी शुरू करी थी तो ऑयल धीरे धीरे करके कम होने लगा था, तो ये मेरे हिसाब से तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड किसी किसी के फेसेस पे ये होता है कि थोड़े से दाग हो जाते हैं, थोड़े धब्बे बढ़ जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं जो कि हट नहीं पाते हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम क्या लगाएं क्या ना लगाएं, तो उसके लिए मेरे पास है ये एलोवेरा जेल, तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है जब आप इसको अपने फेस पर रात को लगा के सोते हैं, तो डे बाय डे आप जैसे कि इसको लगाते जाएंगे तो आप देखेंगे अपने फेस पे कि जो आपके फेस पे जो भी दाग धब्बे हैं वो गायब होने लगते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो एलोवेरा जेल आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं, मैं इसको कभी बालों में लगाती हूँ तो
ये बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, झड़ते बालों के लिए। तो स्पेशली आप इसको लगा सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं। एंड पतंजलि का है ये तो एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल काफ़ी सारी कंपनी के आते हैं, तो आप बाज़ार में कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपको पसंद हो अपनी चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मेरे पास है ये एलोवेरा जेल, सौंदर्य का एलोवेरा जेल है पतंजलि का, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। एंड अगर आप चाहते हैं लिप को मॉइस्चराइज करना, अपने लिप्स मॉइस्चराइज रहें, हाइड्रेटेड रहें, तो लिप्स के मॉइस्चराइज करने के लिए लिप बाम है। तो मेरे पास लिप बाम है निविया का, एंड मैं यही वाला निविया का बाम यूज़ करती हूँ, और कोई लिप बाम यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं आपको अगर रिकमेंड करूँ तो आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, आप मेबलिन का ले सकते हैं, मेबलिन का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं अच्छे से, तो आप यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी। और ब्लूबेरी करके कुछ आता है, ब्लू हेवन का भी लिप बाम आता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और निव्या का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यू नो आपके अगर चैप्ड लिप्स हो गए हैं या ड्राई हो गए हैं, तो अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो आपके यू नो होंठ ठीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। एंड अगर आपको बताऊँ कि मैं आप घर में क्या यूज़ कर सकते हैं, तो घर में आप यू नो अगर घी लगाएंगे, देसी घी जो होता है, या कोई सा भी घी लगा लीजिए, अपने होठों पे अप्लाई कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि जो आपके जो लिप्स हैं जो फट रहे हैं या ड्राई हो रहे हैं, तो वो घी लगाने से ठीक हो जाते हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे सारे मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें कि मैंने आपको थोड़ा हेयर्स के लिए भी बता दिया, लिप्स के लिए भी बता दिया। तो ये थे मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो आई होप आपके लिए ये जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट हॉल अच्छा रहा हो, और आपको अगर पसंद आया हो तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।